श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरसौल के अखरी गांव के रहने वाले हैं। महाराज जी का जन्म सात्विक ब्राह्मण पांडे परिवार में हुआ था और उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। दादाजी सन्यासी थे और पिताजी शंभु पांडे का भी अध्यात्म की ओर खासा झुकाव था, लिहाजा बाद में उन्होंने श्री संन्यास ले लिया। गोविंद शरण बड़ी कम उम्र से ही चालीसा पाठ करने लगे थे और जब वो पांचवी कक्षा में थे तब वो गीता प्रेस प्रकाशन की श्री सुख सागर पढ़ने लगे थे। वो इस उम्र में जीवन का असल कारण तलाशने लगे थे। उन्होंने तब स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के लिए महत्व पर सवाल उठाया और बताया कि ये कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। ये वही समय था जब वह श्री राम, जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करने लगे थे। नौवीं कक्षा में आने पर उन्होंने तय कर लिया था कि अब वो आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ेंगे, जो कि उन्होंने ईश्वर तक लेकर जाएगा उन्हें। वो इसके लिए घर त्यागने को भी तैयार थे। उन्होंने इस बारे में माँ को भी सूचित किया था। 13 साल की उम्र में तड़के 3 बजे वो अपना घर छोड़कर चले गए थे। उन्होंने अब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य शुरू कर दिया था, जाने जाते थे। आगे चलकर उन्होंने संन्यास ले लिया और महावाक्य स्वीकार करने पर उन्हें स्वामी आनंद आश्रम नाम मिला। आध्यात्मिक साधन के रूप में जब उनके जीवन काल का अधिकतम समय गंगा नदी के किनारे बीतता था तो ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी भी एक आश्रम का पदानुक्रमित जीवन नहीं स्वीकारा। ये वो समय था जब गंगा उनकी दूसरी माँ बन चुकी थी और वो यूपी में बनारस काशी घाट से लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार में अन्य घाटों तक घूमा करते थे। रोचक बात यह है कि वो इस दौरान न तो खाने पीने की चिंता करते थे, ना ही कपड़े की चिंता करते थे और ना ही मौसम की वजह से परेशान होते थे। खराब मौसम या फिर जाड़े के समय में भी वो 3 बार गंगा स्नान किया करते थे। यही नहीं, कहा जाता है कि वो कई दिन तक उपवास पर रहते थे और ये भगवान शिव की ही दया रहती थी कि ठंड में कांपते शरीर के साथ भी परम के ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। महाराज जी बनारस में एक रोज पेड़ के नीचे ध्यान लगाए हुए थे, तभी वो श्री श्याम श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। आगे चलकर एक संत की प्रेरणा ने उन्हें एक रासलीला में भाग लेने के लिए राजी किया, जो स्वामी श्री राम शर्मा की ओर से आयोजित की जा रही थी। उन्होंने 1 महीने तक रासलीला में हिस्सा लिया। सुबह वह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्याम श्याम की रासलीला देखते थे। 1 महीने में ही वो इन लीलाओं को देखने में इतना मुग्ध और आकर्षित हो गए कि वो उनके बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्त माली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। ये नहीं जानते हुए कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। वो बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुंचे थे, जहां शुरुआती दिनचर्या में वृंदावन की परिक्रमा और श्री बांके बिहारी के दर्शन शामिल हुआ करते थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। महाराज श्री राधा वल्लभ जी को निहारते घंटों खड़े रहते थे। गोस्वामी जी ने इस पर ध्यान दिया और उनके प्रति स्वाभाविक स्नेह विकसित हुआ। एक दिन पूज्य श्री हित मोहित मारल गोस्वामी ने श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, पर महाराज जी ने संस्कृत में पारंगत होने के बावजूद इसके गहरे अर्थ को समझने में असमर्थ थे। गोस्वामी जी ने तब उन्हें श्री हरिवंश के नाम का जप करने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराज जी शुरू से ऐसा करने से हिचक रहे थे, हालांकि अगले दिन जैसे ही उन्होंने वृंदावन परिक्रमा शुरू की उन्होंने खुद को श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा से उसी पवित्र नाम का जप करते हुए पाया। इस तरह वो इस पवित्र नाम हरिवंश की शक्ति के कायल हो गए। अगर आप भी श्री महाराज जी के उपदेशों से प्रभावित हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री संत महाराज जी जरूर लिखें।